चलो जी, आज इस चैप्टर का भी हमने बस फर्स्ट पड़ाव पार किया है, अलोंग विद द स्पेशल प्रोविजन। सारे स्पेशल प्रोविजन हमने देख लिए हैं, राइट। जीडीए भी हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, अभी तक मुझे बताओ कि अभी एक रेंडम, आपका रेंडम 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 टेस्ट ले लें कैसा रहेगा? सर, टेस्ट की बात मत करा करो, है ना। चलो जी, रैंडम टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ जो भी हमने पढ़ा है बस। चलो जी, आ जाओ। कैपिटल गेन के बारे में फटाफट से मुझे बता दो। कैपिटल गेन सेक्शन 45-55A, राइट। कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? हर हेड का पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है। हर हेड का पहला सेक्शन। सैलरी में जाओगे, गुड मॉर्निंग जूही, गुड मॉर्निंग शिवानी। सैलरी में जाओगे तो सेक्शन 15 उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है, राइट। हाउस प्रॉपर्टी में जाओगे तो सेक्शन 22 उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है। पीजीबीपी में जाओगे तो पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है 28। इसी तरीके से कैपिटल गेन में आप आओगे तो सेक्शन 45 उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है। IFOS 56 उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है। तो अभी हम देख रहे हैं सेक्शन 45(1) की, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट फेस। अगर आपका ये मजबूत है ना, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेजरली आपने सारी चीजें कर ली है, राइट। अब कंपटीशन में कुछ डिफरेंट एडिशन चीजें हम देखेंगे, वो एक अलग बात है, वो कोई खास बात नहीं है। यस, तो सबसे पहले आपने लिखा है कि सर कैपिटल असेट्स होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसफर, कैपिटल असेट्स हो, ट्रांसफर हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। वेरी गुड। चलो जी, कैपिटल असेट्स को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 214 के अंदर, सेक्शन 214 के अंदर, और ट्रांसफर को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 247 के अंदर। कैपिटल असेट्स मीन्स बताओ, ए बी और सी। कैपिटल असेट्स मतलब दिमाग में आते ही तीन चीज़ें आनी चाहिए, पहला तो है ही है, उसके अलावा तीन चीजें आनी चाहिए आपके दिमाग में। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, ठीक है, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, एक्सेप्ट, पहला एक्सेप्ट स्टॉक एंड ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स। दूसरा पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी, बट जाडा एसपी नहीं आएगा इसमें। जाडा एसपी को कैपिटल असेट्स माना गया है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, राइट। तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ये ध्यान रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। और रूरल एरिया मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताओ भैया रूरल एरिया मतलब क्या होता है। और चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। तो ये चीजें एकदम तरीके से आपके सेट होनी चाहिए दिमाग में। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या था कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है, तो सर वो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो कैपिटल असेट्स मानी जाएगी। और यूलिप जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल असेट्स हो जाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल असेट्स। फिर हमने यहाँ पे देखा था सर टाइप ऑफ कैपिटल असेट्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखो ये सारा मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जब मैं तुम्हें गुटखा बनवाऊंगा ना, गुटखा जो भी मैंने बनवाया नहीं है, पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर गुटखा करेंगे। यस, वेरी गुड। रूरल लैंड, रूरल मतलब क्या सर, रूरल मतलब वो जो अर्बन नहीं, और अर्बन को डिफाइन किया है, अगर कोई भी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा नहीं है तो आप उसे बोलोगे रूरल एरिया, ये चीज ध्यान रखना। और अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया हो जाएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। अब तुम्हें बिल्कुल यार कुछ दिमाग लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में खट 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 आना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं रेगुलर रिवाइज करवा रहा हूँ इस चीज चैप्टर को। लॉन्ग टर्म कब हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कब हो जाएगा,
कब हो जाएगा? अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 36 मंथ से ज़्यादा हो, ये चीज़ ध्यान रखना, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हमने कुछ केसेस देखे थे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ केसेस है जहाँ पर 12 महीने से ज़्यादा होल्डिंग होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और कुछ केसेस थे 24 महीने से ज़्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये केसेस आप मुझे लिख के दो, बताओ भैया। वेरी गुड, जनरली 36 मंथ लॉन्ग टर्म, अदरवाइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुटखा नहीं खाते हैं। हम खिलाएंगा राहुल, हम टेंशन ना है लेने का, हम गुटखा तैयार कर रहा हूँ, हम तुमका गुटखा खिलाएगा, भारत का गुटखा, भारत गुटखा। आ जाओ, अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं बोलो भाई। सर लिस्टेड, वेरी गुड, पहला एनी सिक्योरिटी, वेरी गुड राघव, अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है सर। यूनिट्स को हटा दिया लेकिन कुछ यूनिट्स को इन्होंने यहाँ पर कवर किया है, वेरी गुड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, और तीसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और चौथा जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, 12 महीने वाले केसेस तो हो गए, इनमें अगर होल्डिंग ड्यूरेशन आपका 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। 24 मंथ वाले में क्या हो गया? आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा हो गया आपका अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपकी पूरी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मान लो लॉन्ग टर्म नहीं है, सिंपल सी बात है, वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, इसमें क्या दिमाग लगाना। चलो जी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और एक आपको टैक्स रेट्स का बेनिफिट मिलता है। चलो जी, यहाँ पर भी क्लियर है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका पूरा कैपिटल एसेट्स, एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ट्रांसफर, सेक्शन 247 में बोला गया है ट्रांसफर। कल अपन ने पूरा ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने ट्रांसफर तो कंप्लीट किया, बट सर ट्रांसफर के कारण जो स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई वो भी हमने कल कवर कर ली है, राइट। तो अब हमें पूरी क्लियरिटी है कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। हमें कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी के लिए हमने क्या देखा था? सर कैपिटल असेट्स होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, अगर ये दोनों सिचुएशन पूरी होती है तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, है ना, एज पर जनरल चार्जेबिलिटी। बट अगर जनरल चार्जेबिलिटी कोई चीज कवर नहीं हो रही है तो वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन हमने वहां देख लिया था कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन थे तो स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किए गए, राइट। चलो उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला पहला यस, यहां तक तुम मुझे बताना, अभी पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई तुम कहीं अटक तो नहीं रहे हो, फिर अगर तुम्हारी क्लियरिटी है देन विल मूव अहेड, ठीक है ना। एक बार रिकॉल इसीलिए करवा रहा हूं ताकि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस समझ में आ जाए। यस सर, हम कहीं नहीं अटक रहे हैं, टेंशन काहे लेते हो। सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट, मैंने आपको बताया ही था ना कि सबसे आसान चैप्टर होना चाहिए, यूं चलना चाहिए यूं। सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट, ठीक है। दूसरा मतलब सेल मतलब क्या हो रहा है? सेल मतलब सेम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दो पार्टी होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, कंसीडरेशन होनी चाहिए, तो उसे सेल माना जाएगा। एक्सचेंज, आप एक असेट्स के बदले अपने दूसरे असेट्स दे रहे हो, दैट इज एक्सचेंज। रिलिंक्विशमेंट मतलब आप अपना अधिकार छोड़ रहे हो, अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो, वेरी गुड। फिर आता है एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट बड़ा जबरदस्त है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन असेट्स, पर आपका अधिकार खत्म हुआ हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर असेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया तो इसे एक्सटिंग्विशमेंट नहीं बोला जाएगा, और जब उसे एक्सटिंग्विशमेंट नहीं बोला जाएगा तो भाई साहब इट विल नॉट बी ट्रांसफर, और जब ट्रांसफर नहीं है तो काय का कैपिटल गेन। तो इसी कारण तीन स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए, राइट, इसी कारण तीन स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए, बताओ जी कौन से।
चलो, इसी कारण तीन स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए। बोलो बोलो यार, नेटवर्क आ रहा है ना बराबर? ये क्या दिख रहा है? द स्ट्रीम करंट इज लोअर देन द रिकमेंडेटिव स्ट्रीम। ये कैसे होता है यार? अरे ये बराबर दिख रहा है क्या? व्यू बराबर है क्या? इसमें मेरे को ये बोल रहे हैं भैया कि ये व्यू थोड़ा सा कमजोर है। वेरी गुड। एक्सटिंग्विशमेंट के तीन एक्सेप्शन बोल सकते हो, मतलब बिकॉज ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ये तीन स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए, सेक्शन 45(1)A, ठीक है, सेक्शन 46(1)A बाईबैक और सेक्शन 46(2) लिक्विडेशन, ठीक है ना। ये तो था इंश्योरेंस वाला, ये था आपका बाईबैक, ठीक है, और ये था लिक्विडेशन वाला। चलो एक बार मुझे बताओ ना यार, होता क्या है? मुझे इतनी समझ थोड़ी है यार, इसमें होता क्या है इंश्योरेंस वाले में, कौन बताएगा मुझको? ऑल गोइंग गुड सर, ओके ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड यार, तुम सब परफेक्ट कर रहे हो यार भाई। दिस इज द मॉडल ऑफ गुटका, तुम्हें बता रहा हूँ ना, दिस इज द मॉडल ऑफ गुटका। जब मैं तुम्हें बाद में गुटका बनवाऊंगा ना, तब तुम्हारे दिमाग में घूमेगा, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें तैयार करवा रहा हूँ कि तुम कहाँ अटक रहे हो मुझे पता तो पड़ जाए, ताकि मैं उस गुटके को जब बनाऊँ तब तुम्हारे लिए सारी चीज़ें मस्त रहे। हाँ जी भैया, बताओ ना यार इंश्योरेंस के बारे में क्या है, मेरे को पता नहीं है इतना, काय करते भैया। बोलो जी, इंश्योरेंस के बारे में बोलो, बोलो भाई। इंश्योरेंस 45(1)A स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया कि सर अगर आपकी असेट्स डिस्ट्रॉयड हो गई हो, दो चीजें, सर अगर आपकी असेट्स डिस्ट्रॉयड हो गई हो, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फोर रीजन, अगर आपकी चार कारणों से असेट्स डिस्ट्रॉयड हो गई है प्लस इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको रिसीव्ड हुआ है, तो सर 45(1)A में टैक्सेबल किया जाएगा, राइट। बट एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जिस ईयर में आपके असेट्स डिस्ट्रॉयड हुई है उस ईयर में इंडेक्सेशन होगा। इंडेक्सेशन या सिंपल शब्दों मैंने जो लिखा है ना, वो सिंपल शब्द लिख लो, ट्रांसफर। ये कहता है कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो जिस ईयर में असेट्स डिस्ट्रॉयड हुई है, बट वो कैपिटल गेन टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आपको इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव्ड होगा। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड यार, वेरी गुड राघव, बहुत बढ़िया जूही, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आयुषी। चलो बहुत बढ़िया, अरे वाह, आगे बताओ जी, आगे बताओ मुझे, आगे बताओ जी, बाईबैक का क्या है? ये तो तुमने एकदम परफेक्ट बता दिया, मेरे को तो तुम बताने ही नहीं देते हो यार। हाँ जी भैया, आगे बोलो। बाईबैक, बाईबैक में क्या होगा? फटाफट, बहुत अच्छा लिख रहे हो तुम सब, मतलब एवरीवन इज डूइंग परफेक्ट, वेल डन। इसकी नोट सीरीज में भी अपने को दो दिन तो लग ही जाएंगे, बट ठीक है, चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाए, मतलब मेरा यह है कि चैप्टर ऐसा कंप्लीट हो कि बाद में दोबारा देखना ना पड़े भैया। बस बाद में तो मैं तुम्हें जब गुटखा करवाऊंगा ना, बस वहीं से रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगी चीजें, ठीक है। वेरी गुड। यहां पर होता क्या है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किया है, राइट, डोमेस्टिक कंपनी ने अगर बायबैक किया है, तो सिंपल सी बात है, कंपनी के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा, कंपनी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सर किस अमाउंट पे टैक्स देना है? बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, माइनस इश्यू प्राइस, ठीक है ना। कोई इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, एट द रेट ऑफ 23.296%, भूल जाओ तो 20% प्लस 12% प्लस 4%, ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, लिक्विडेशन के केस में क्या होता है? सर 46(1) में कंपनी के हाथों में अगर कंपनी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा, साफ मना कर दिया है। 46(2) में शेयर होल्डर के हाथों में इट विल बी टैक्सेबल। तो सिंपल है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये कहता है कि जो भी आपको कंपनी से मिल रहा है, मान लो आप शेयर होल्डर हो, आपको कंपनी ने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी ऑन लिक्विडेशन, तो ये कहता है कि जो आपको असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी है उसकी एफएमवी ले ली जाएगी,
राइट, एफ एम बी एस डी भी ले ली जाएगी, और अगर मान लो कैश मिला है तो कैश भी कंसिडर कर लिया जाएगा, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बताओ, मेन डेफिनेशन यही थी, बाद में पॉइंट ऐड किए गए, तीसरा पॉइंट ऐड किया गया वो चुनचुन दास नहीं, चर्चित मेहता का जो जुगाड़ था ना उसके कारण, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना, इसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अगर आप अपने असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और जब ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा तो जिस ईयर में आपने कन्वर्जन किया है उस ईयर में कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन यहां पर साहब एसएससी के साथ थोड़ा सा गलत हो रहा था, सर कन्वर्जन तो कर लिया बट स्टॉक तो बिका ही नहीं, तो इन्होंने आपको बेनिफिट देने के लिए कौन सा स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 45(2), वहां पर इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि जिस ईयर में आप कन्वर्ट करते हो कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो, बट टैक्सेबल उस ईयर में होगा, टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आपका स्टॉक सेल होगा, और अगर स्टॉक प्रोपोर्शनेटली सेल होता है तो आपका कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा, ये चीजें ध्यान रखना। चौथा, कंपल्सरी एक्विजिशन, ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन किया जाता है तो इसे ट्रांसफर माना जाएगा। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, क्यों लिख दिया, वो जुगाड़ मैंने आपको बता दिया था, उस जुगाड़ को रोकने के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया, लेकिन एसएससी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी तो एसएससी को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्शन 45(5), वहां पर इन्होंने लिख दिया कि भाई जिस ईयर में आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है उस ईयर में हम कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लेंगे, बट टैक्सेबल तब होगा जब पहली बार इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस कंपनी कह रहे पहली बार कंपनसेशन रिसीव्ड होगा। फिफ्थ क्या था जी, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इमोबल प्रॉपर्टी, अगर इमोबल प्रॉपर्टी का पोजीशन अगर आप ट्रांसफर करते हो, इमोबल प्रॉपर्टी का अगर आप पोजीशन ट्रांसफर करते हो, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर भैया। तो जैसे ही आपने पोजीशन दे दिया, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और ट्रांसफर जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर में कैपिटल गेन लग जाएगा एज पर जनरल चार्जेबिलिटी। लेकिन जेडीए को प्रमोट करने के लिए क्या किया इन्होंने, ओनली जेडीए के केस में, ओनली जेडीए के केस में जेडीए को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन लेके आए, सेक्शन 45(5)(a), राइट। इसमें भी उन्होंने क्या बोला, कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो जिस ईयर में पोजीशन ट्रांसफर किया है, लेकिन ये टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपका कंटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। आई होप दिस इज क्लियर, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। इन तीनों केसेस में एक ही चीज है कि कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो जिस ईयर में एसेट्स ट्रांसफर हुई है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्सेबल उस ईयर में होगा, इन तीनों के केस में है ना, मतलब कैपिटल गेन पे जो टैक्स है ना उसको पोस्टपोन करवाया है, फायदा दिया है एसएससी को, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इन तीनों केसेस में मैंने बता दिया आपको, बस यही केसेस थे, बाकी तो कुछ है नहीं। अब आपको एक बार छट्टा वापस से बता देता हूं, ढंग से समझा देता हूं, कल तो मैंने फटाफट में बताया था, अब ढंग से समझा देता हूं ताकि आपका एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए पूरी क्लियरिटी के साथ में। यार अब तो साला कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, अब टेंशन नहीं है, अब कंपटीशन ही तो करना है, कर लेंगे, कंपटीशन में कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियरिटी मिल गई सर, अब कब क्या होना है कब क्या नहीं होना, पूरी क्लियरिटी है, पिक्चर एकदम क्लियर है सर। अब सिक्स्थ, मैंने क्या बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, पहले क्या होता था, देखो पहले आपको समझाता हूं। पहले अपन मान लो 500 जने थे, मान लो अपन मान लो 20-25 जने हैं, 20-25 जनों ने मिलकर 10-10 लाख रुपए दिए, तो 20 जनों ने मिलकर कितने दे दिए, 2 करोड़ रुपए। अपन ने क्या करा, एक जमीन खरीदी और उस पर 20 स्टोरीज बिल्डिंग बनाई, 20 स्टोरीज, 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, हर एक आदमी को एक एक फ्लोर दे दिया। बोले भैया हर आदमी ने 20 मेंबर्स थे, हर एक आदमी ने क्या किया है, हर एक आदमी ने 10-10 लाख रुपए दिए, चलो हर एक आदमी को एक एक फ्लोर दे दो, तो अपन सबको एक एक फ्लोर मिल गया, अपन सब 20 जो आदमी है ना, अपन सबको एक एक फ्लोर मिल गया, सो वी आर दी ऑनर। अब मुझे बताओ, यहाँ तो 20 ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी कभी तो 2000 होते हैं, 200 होते हैं, 500 होते हैं, 1000 होते हैं, 10000 होते हैं, भाई मुझे बताओ, ये तो सारा का सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट जो है, मुझे बताओ कि सब एक साथ साइन करने जाएंगे क्या भैया, जनरली आजकल तो होने लग गया है, रजिस्ट्री आपके नाम पे होती है, बट शुरू में होता क्या था कि ये सारी की सारी बिल्डिंग जो 20 स्टोरीज बिल्डिंग है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे हुआ करती थी,
ठीक है ना भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जाके सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी कर देता है, क्योंकि सारे 20 लोग एक साथ होना बड़ा मुश्किल है। तो एक 20 एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और वो जाके अपने नाम पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे सारी की सारी 20 फ्लोर की बिल्डिंग अपने नाम पे होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो जो भी एक्स वाई जेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके नाम पे। अब ये जो 20 जने जिन्होंने पैसा लगाया है वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या कहलाते हैं, मेंबर या शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर। कि देखो सर मैंने 20 लाख रुपए लगाए, मेरा हिस्सा कितना है, मेरा मान लो जो भी इनका हिस्सा निकलता है 2 करोड़ के अंदर सर मेरा हिस्सा है, मतलब 20 लोग है तो एक एक आदमी का 5-5% हिस्सा हो गया, 5-5% हिस्सा हो गया, मतलब सिंपल सी बात है हर एक मेंबर का 5-5% हिस्सा हो गया, व्हाटएवर जो भी उनका हिस्सा होता है। मान लो 10 आदमी पकड़ लो अपने, तो और 10 फ्लोर पकड़ लो सिंपल, ठीक है ना। तो हर एक आदमी का 10-10% हिस्सा हो गया कि भैया ये मेरा 10% हिस्सा है, वो हिस्सा है मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स है या कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे। अब मान लो भरत रुनीवाल का एक फ्लोर है, भरत रुनीवाल का एक फ्लोर है, तो वो फ्लोर भरत रुनीवाल के नाम पे नहीं है, नाम तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे। भरत रुनीवाल का जो फ्लैट है या बंगलो है ये भरत रुनीवाल का है, बट इसकी ऑनरशिप किसके पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। भरत रुनीवाल को इसको एंजॉय क्यों कर रहा है, बिकॉज ही इज शेयर होल्डर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी या ही इज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मान लो भरत रुनीवाल इस फ्लैट को ट्रांसफर करना चाहता है, तो बताओ कर सकता है क्या, बताओ कर सकता है क्या, कौन बताएगा मुझे। भरत रुनीवाल अगर इस फ्लैट को ट्रांसफर करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है क्या, बोलो भाई। अभी इस पॉइंट को समझाने के बाद तुम्हें एक ब्यूटी बताता हूं, ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, अभी तक जो तुमने पढ़ा है उसका सबसे बड़ा गेम, और बहुत अपन ने, चलो पहले एक बार ये बात कर लेते हैं फिर बताता हूं। बताओ भाई, यस सर कर सकता है, कैसे करूंगा बताओ यार, मेरे नाम पे है ही नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है यार, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है, कैसे करूं। अरे बताओ ना, ओनरशिप मेरी कहां है, मेरे पास तो मेंबरशिप है, शेयर होल्डिंग है, मेरे पास तो मेंबरशिप है ना यार भाई, मेरे पास तो शेयर होल्डिंग है, मैं फ्लैट का ओनर तो हूं ही नहीं, मैं फ्लैट का ओनर तो कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बताओ मैं अपना कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं इस फ्लैट को। मान लो राहुल खरीदना चाहता है, बोले भरत सर मेरे को दे दो ये फ्लैट, मेरी वाली यही रहती है सर, प्लीज प्लीज दे दो ना, मेरी वाली इधर ही रहती है सर, प्लीज 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 ये फ्लैट मुझे दे दो। मैंने कहा ले ले ठाकुर तू ले ले। अब बताओ, यस वेरी गुड, मेंबरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, मेंबरशिप ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया है, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप या शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दी, और उस ट्रांसफर के कारण इमोबल प्रॉपर्टी का राइट भी ट्रांसफर हो गया है, तो इसे भी ट्रांसफर माना जाएगा, वही तो लिखा हुआ है। इतना क्या सर, यही लिखा हुआ था क्या, और क्या, यही तो लिखा हुआ है। बट तुम्हें क्लियरिटी देने के लिए मेरे को थोड़ा सा समझाना जरूरी था, ठीक है ना, बस यही लिखा हुआ है, उसमें भी बताऊंगा तुम्हें। और सेवेंथ है रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये क्या होता है, ये तो तुम्हें आता है, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये कौन बताएगा। अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड्स लेते हो, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम एट पार, 80 रुपए में लिया और 100 रुपए में रिडीम हुआ, व्हाट इज रिडम्पशन एट बॉन्ड, दैट इज रिडम्पशन, राइट। अगर रिडम्पशन हो रहा है जीरो कूपन बॉन्ड का, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है, बस दैट्स इट, ट्रांसफर की डेफिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड। चलो अब मुझे सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, आप बताओगे क्या बड़ी बात थी, आप बताओगे सबसे बड़ी बात क्या थी। आपने ना इतने टफ पार्ट को, अरे ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, कैपिटल गेन और ये साथ में ही है क्या, वो लाइन बता दूं तुम्हें, ये देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग मेंबरशिप इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर द राइट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये बोलता है कि अगर आप अपनी शेयर मेंबरशिप या मेंबरशिप या शेयर होल्डिंग आप ट्रांसफर कर देते तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना जो राइट फ्लैट पे राइट है वो भी ट्रांसफर कर दिया है, सो इसे भी ट्रांसफर माना जाएगा, बस दैट्स इट, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है,
यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप देखोगे, अभी तो चलो मैंने आपको 20, मैंने जब आपको ये टॉपिक समझा रहा था तो मेरे हिसाब से 15 या 16 पॉइंट चल रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, 16 या 17 मिनट चल रहे थे, या सॉरी 23 मिनट्स चल रहे थे। मतलब आप सोचो कि 20 मिनट्स में आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, ओनली इन 20 मिनट्स। और मैंने सही में कुछ नहीं बोला, आप लिख रहे थे, मैं यहाँ लिख रहा था बस, और बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी भी नहीं करी अपन ने। तो 20 मिनट्स में आपने फर्स्ट पार्ट को मजबूत कर लिया है, सेकंड पार्ट मान के चलो 20 मिनट उसको दे दो, थर्ड पार्ट 10 मिनट दे दो, मतलब आप टोटली एक घंटे के अंदर इस चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो। ये पावर आपके पास डेवलप हो चुका है, ठीक है। सुबह से मैं वही देख रहा था कितना टाइम हुआ, बट टाइम भी बहुत कम ही हुआ था, तो वो तो बहुत ही बढ़िया। तो अब मुझे आप बताओ, यहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक अगर प्रॉब्लम हो देन अपन एक बार वापस डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड पड़ाव में। सेकंड पड़ाव के पहले एक छोटा सा पार्ट है, वो बता देता हूं। कुछ ट्रांजेक्शन, चलो जी, हाँ जी सर, ये कैपिटल एसेट्स का सेकंड पॉइंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एफआईआई वाला, एक बार फिर बता दो। बता देता हूं, देखो जनरली जो बिगिनिंग में जो डेफिनेशन थी ना कैपिटल एसेट्स की, एक सिंपल डेफिनेशन थी, ये बी और सी पार्ट नहीं हुआ करते थे। सिंपल डेफिनेशन था कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, उसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा एक्सक्लूडिंग फोर, वो आपको पूरी क्लियरिटी है। लेकिन हो क्या रहा था, बाकी बी और सी पॉइंट था ही नहीं। अब होता क्या था होता क्या था कि अब मान लो एफआईआई इन्वेस्टमेंट करती थी इंडिया में। अब इंडिया को देखो, पैसा तो चाहिए ही। इंडिया एफआईआई वालों को बोलते थे, आओ आओ हमारे हिंदुस्तान में पैसा लगाओ, आओ आओ हमारे हिंदुस्तान में पैसा लगाओ। ले भैया आते हैं तेरे हिंदुस्तान में, पैसा लगाते हैं। तो इन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। अब ये क्या सोच रहे थे, हमको कैपिटल गेन चैप्टर का फायदा मिल जाएगा, हम तो भाई असेट्स खरीद रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा तो 15% से टैक्सेबल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो एट द रेट ऑफ 10% से टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो ये सोच रहे थे कि भैया हमको तो फायदा मिलेगा। लेकिन हमारे असेसिंग ऑफिसर कुछ और सोच रहे थे। जब एफआईआई ने अपना रिटर्न फाइल किया और उसने लिखा, सर मेरा कैपिटल गेन हुआ है 10% से टैक्स ले लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 15% से टैक्स ले लो, ना, असेसिंग ऑफिसर बोले, ना मुन्ना ना, ऐसा थोड़ी चलता है, तुम तो शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये तो तुम्हारा बिजनेस है, और जब बिजनेस है तो बिजनेस पे तो मैं नॉर्मल तरीके से टैक्स लगाऊंगा 30%, है ना, तो इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई। वेरी गुड, जूही ने सही बोला तो हमारे एफआईआई ने जो इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे, एफआईआई बोले हमें नहीं करना साला इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ये लोग सटिया गए हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, हमको तो बोला कैपिटल गेन का बेनिफिट देंगे और साला हमारे को यहाँ पे पीजीबीपी एड में टैक्सेबल कर दिया, ना 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 हम नहीं लगाएंगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट। मोदी जी बोले, हे गदाधारी भीम, शांत शांत शांत, इधर आ, के प्रॉब्लम रे तन्ने। बोले देखो सर, हमारे पे इतना मोटा टैक्स लगा दिया, चल ये वो परेशान कर रहा है, फपूंदी खत्म करते हैं, एम्बिग्यूटी ही खत्म करते हैं, लिख दिया एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई एज पर सेबी गाइडलाइंस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड जूही, बढ़िया बढ़िया। सो नाउ अपना जो एक कम्युनिटी है ना, इस कम्युनिटी में मैं एक एक्टिविटी भी शुरू करने की कोशिश करूंगा। एक बार पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए देन विल प्लान। रोज का मैं अभी वॉलंटियर्स ग्रुप में एक बार बात करूंगा, विल प्लान और फिर अकॉर्डिंगली हम इंप्लीमेंट करेंगे। आज सब 9 बजे आ जाना वॉलंटियर्स, ठीक है। 2 दिन मस्तियां हो गई है, कुछ कुछ नहीं करा तुमने, कोई ना नोटपैड नहीं, कोई डायरी नहीं, कुछ भी यार भाई, क्या करते हो रे तुम, डायरी नोट डाउन नहीं कर रहे हो तुम, आदत खराब है, ये आदत सुधारनी है अपने को, ठीक है। चलो जी, ऑल द वॉलंटियर्स, नीलाजीत कहाँ है भाई, अपना मॉनिटर कहाँ गया, आजकल दिखता नहीं है वो। चलो आज अपन कनेक्ट करेंगे, अपन अपना पुराने जो काम एक बार सारे वो देख लेंगे, वो व्यवस्थित हुए नहीं हुए, फिर आगे का प्लानिंग करेंगे अपन। चलो जी आ जाओ, यहाँ तक और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। किया है क्या, अरे वाह राहुल, वेरी गुड यार, वेरी गुड। जिसने नहीं किया ना, अभी फटाफट से इस सेशन के बाद में 10 मिनट लेना, समरी बनाइए, समरी बनाएंगे, वाह गुड,
सर सिर्फ कल की नोटिंग बाकी है। हाँ अभी कर लेना, कोई बात नहीं, कल की नोटिंग बाकी है, कोई बात नहीं, बट अब रेगुलर करना शुरू कर दो, है ना। और मुझे तुम पे विश्वास है यार, तुम बहुत अच्छा करोगे। चलो जी अब एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ, देन विल स्टार्ट। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। अरे ये क्या हुआ, पूरा ही उड़ा दिया इन्होंने तो भाई। चलो बहुत है मेरे हिसाब से, इतने से काम हो जाएगा अपना। अभी क्वेश्चन अपन थोड़ा सा एक बार कवर कर लें, फिर मैं क्वेश्चन तो सारे करूंगा ना वैसे भी, तो अब तो तुम क्लियरिटी लोगे सब, तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं, अब तो कोई सा ही क्वेश्चन आ जाएगा तुम आराम से कर लोगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने तुम्हें करा ही दिया, चलो नहीं तो अभी करा देता। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो अभी तुम्हें पूरी क्लियरिटी हो चुकी है, राइट। अभी तुम्हें पूरी क्लियरिटी हो चुकी है, यस और नो, कि कब कोई ट्रांजेक्शन कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। क्या है भाई, अरे अभी तुम्हें पूरी क्लियरिटी हो चुकी है कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। यस सर, कैपिटल असेट्स मुझे पता है, ट्रांसफर भी मुझे पता है, तो अब मुझे पूरी क्लियरिटी और स्पेसिफिक प्रोविजन भी मुझे पता है। अब ये मुझे पता है सर कि कब कोई केस कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं हो गया, ठीक है। अब मुझे पूरा पता है कि कब कोई केस कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, मुझे पूरी क्लियरिटी है सर। चलो बहुत बढ़िया, तो मुझे एक दो चीजें बताओ। चलो अगर मान लो HUF है, HUF को तो समझ में आता है परिवार, है ना। HUF का क्या होता है, HUF के अंदर जब भी पार्टीशन होता है, पार्टीशन ठीक है ना, पार्टीशन में क्या होता है पता है क्या तुम्हें, HUF का जब पार्टीशन होता है तो क्या होता है। यस, कौन बताएगा बताओ, HUF का पार्टीशन होता है तब क्या होता है बताओ। हाँ जी, हाँ जी, यस यस यस, दिख रहा है ना आपको बराबर से। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसका शॉर्ट किया है इसको। हाँ जी, ये जो HUF होता है, HUF पार्टीशन में क्या होता है कुछ पता है क्या, बिजनेस सेपरेट हो जाते हैं, ओके, बिजनेस भी होते हैं, इवन असेट्स, है ना। मान लो देखो एक परिवार है, एक परिवार के 5 हाउस प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, और मान लो 5 भाई हैं, तो एक एक को एक एक हाउस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ले भैया ये मकान तेरा, 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 ये सुन लो, है ना। बिजनेस होता है, जो भी असेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है। अब मान लो ये हाउस प्रॉपर्टी थी, ये हाउस प्रॉपर्टी, ये मान लो ये जयपुर का मकान, ये पूना का मकान, ये चेन्नई का मकान, ये बॉम्बे का मकान, और ये अहमदाबाद का मकान, ठीक है। ये मान लो मेंबर ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया, डी को दे दिया, ई को दे दिया। HUF का पार्टीशन हो गया, पहले ये सारी असेट्स HUF की हुआ करती थी, अब इसने मेंबर को दे दी, क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा क्या बताओ, है ना। क्या ये असेट्स है, क्या ये असेट्स है, हाँ है। क्या ये ट्रांसफर है बताओ, क्या ये ट्रांसफर है क्या। HUF का पार्टीशन हो गया,
तो HUF अलग होता है, मेंबर्स अलग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना HUF की फाइल अलग बनती है, मेंबर की फाइल अलग बनती है, ठीक है ना। मतलब HUF के जो मेंबर्स होते हैं तो बताओ क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगाएंगे क्या HUF के हाथों में, बताओ। क्यों राघव, क्यों क्यों नहीं होगा बताओ, अभी तक जो पढ़ा है उसमें ऐसी कौन सी चीज डिविएट कर रही है बताओ। नॉट, यस सर। आयुषी बोल रही है यस सर। राघव बोल रहे नो सर, इट विल नॉट बी ट्रांसफर। नो, नॉट ए ट्रांसफर। व्हाई राघव, व्हाई व्हाई इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। राहुल, क्यों ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कारण बताओगे मुझे, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? होना चाहिए सर, बिल्कुल ओके, बट जो नो बोल रहे हैं वो मुझे कारण बताओ कि क्यों नहीं होना चाहिए, बताओ। ऐसी क्या ही कैपिटल एसेट्स है, हाँ है, क्या ट्रांसफर है या नहीं है बताओ, ट्रांसफर की डेफिनेशन में कहां कवर नहीं हो रहा है ये पॉइंट, मुझे मुझे बताओ आप, कहां लग रहा है आपको, बताओ बताओ। आप ये भी नहीं बोल सकते कि असेट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, एग्जिस्टेंस, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो, बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए है? कौन मना कर रहा है? रेलिंग्विशमेंट, आपने अपनी इच्छा से अधिकार छोड़ा है, सिंपल सी बात है। बताओ कहां ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ जी, अरे सेल नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, रेलिंग्विशमेंट नहीं है। एच मतलब एक्सटिंग्विशमेंट की डेफिनेशन क्या है, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हुआ हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। HUF का अधिकार खत्म हो गया ना, HUF का अधिकार खत्म हो गया ना, इसमें सेल तो नहीं है बट हर चीज से, अपन क्या बोलते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन में सिर्फ सेल थोड़ी होता है, ट्रांसफर की डेफिनेशन में तो कुछ भी आ सकता है, इट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, सब कुछ आता है, कंसिडरेशन भी नहीं है। अरे जरूरत ही कहां है, मैंने अगर आप मान लो एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट की डेफिनेशन क्या है, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, कोई जरूरत है हर जगह जरूरत थोड़ी है, कंसिडरेशन हो ही हो, जरूरत नहीं है हर जगह कंसिडरेशन हो ही हो या ना हो इरिलेवेंट। एक्सटिंग्विशमेंट में क्या लिखा हुआ है, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया और असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, है साहब। तो जनरली एज पर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। आपने कंसिडरेशन लिया ना लिया हमें क्या मतलब, हमें थोड़ी देखना है, तुम तो जुगाड़ कर लोगे हिंदुस्तानी। हाँ जी, आवाज आ गई, हेलो, आई एम ऑडिबल। हाँ जी, तो क्या लग रहा है, ट्रांसफर होना चाहिए ना, यस ये ट्रांसफर है। अगर मैं कैपिटल, कैपिटल एसेट्स है, हाँ है, हाउस प्रॉपर्टी है सर, कैपिटल एसेट्स है, बिल्कुल है, ट्रांसफर भी है, बिल्कुल है सर, ट्रांसफर भी है, ठीक है ना। तो जनरली अभी मुझे क्लियर हो चुका है कि यस सर कैपिटल एसेट्स है, ट्रांसफर है सर, कैपिटल गेन एडमिट टैक्सेबल होना चाहिए, ओके। दूसरा एक और सुनो, मान लो ए ने बी को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी, ए ने मतलब आर्यन खान ने जूही को, अब जूही वहां शिफ्ट हो गई, तो आर्यन खान ने जूही को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, बोले मन्नत के पास मकान खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरा मकान है, ये ले तेरे को गिफ्ट करता हूं, ठीक है। तो आर्यन खान ने जूही को ये प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, बताओ क्या ये ट्रांसफर है, क्या क्या ये ट्रांसफर है, क्या बोलो जी, क्या ये ट्रांसफर है क्या? हेलो, आई एम ऑडिबल।
यस दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर, अपना राइट खत्म हो रहा है, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है इररिलेवेंट, राइट, यस ट्रांसफर माना जाएगा। तो यहां पर अब लॉजिकली देखो, बिल्कुल ठीक है ट्रांसफर माना जाएगा, बट फिर यहां पर जो प्रॉब्लम्स थी इंडियन मार्केट को देखते हुए, तो यहां डिपार्टमेंट ने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए और बोला कि यस दिस विल बी ट्रांसफर, लेकिन हम इसे एक्सेप्शन में ऐड कर देते हैं कि इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो अब मैं आपको क्या बताता हूं, कुछ एक्सेप्शन जो ट्रांसफर है लेकिन उन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, जो ट्रांसफर है लेकिन उन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, समझ में आ रहा है, जो ट्रांसफर है लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ केसेस जो ट्रांसफर तो हैं लेकिन उन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब जब उन्हें ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा तो फिर उन पे कैपिटल गेन लाइबिलिटी इंपोज नहीं होगी। समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेप्शन सेक्शन, एक्सेप्शन अपन ने क्या देखा 247 में, अपन ने देखा सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल बी ट्रीटेड, मतलब ट्रांसफर को देखा है अपन ने, लेकिन अब मैं आपको सेक्शन 47 में बताने वाला हूं एक्सेप्शन, कि जहां सर्टेन ट्रांजेक्शन जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब अगर आप वो ट्रांजेक्शन करते हो तो वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, बिकॉज दीज आर दी एक्सेप्शन ऑफ द ट्रांसफर, और जब वो एक्सेप्शन है तो फिर उन केसेस में कैपिटल गेन की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। किस पर? जो ट्रांसफर कर रहा है। जनरली कैपिटल गेन की लाइबिलिटी किस पे आती है? जो ट्रांसफर करता है उस पे कैपिटल गेन की लाइबिलिटी आती है, और इन एक्सेप्शन के केस में जो ट्रांसफर कर रहा है उस पे कैपिटल गेन की लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो इसमें इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पार्ट मैं आपको अलग से भेज दूंगा, है ना, ये पार्ट मैं आपको अलग से भेज दूंगा, बट ये पार्ट मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, ठीक है। चेंज इन एसेट्स हो गया, चेंज इन, या तो क्या करूंगा जो शाम वाला सेशन है ना उसमें बी सी डी कवर कर लूंगा, ठीक है, ताकि आप कवर हो जाएगा आपका ये, अभी आपका ए कवर करवा देता हूं बस। ये तो मैंने जो एबीसीडी बनाया ना, ये तो मैंने इसलिए बनाया ताकि लिए आपके लिए आसान हो जाए, आपको रिकॉल करने में बिल्कुल आसान हो जाए, पूरी चीजें एकदम व्यवस्थित चले, इसलिए मैंने बनाया ये। एक मिनट रुकना है यार, चलो जी अब मैं आपको यहां बताता हूं चेंज इन ऑनरशिप, सर्टेन ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ये कहता है कि सर्टेन ट्रांजेक्शन जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तो सबसे पहले ऐसे केसेस जहां आपकी ऑनरशिप चेंज हो रही है, ठीक है ना, जहां आपकी ऑनरशिप चेंज हो रही है, तो सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, जहां मतलब ए बी को कोई एसेट्स दे रहा है, मतलब पहले ए के ऑनरशिप थी, अब ऑनरशिप किसी और की हो गई, चेंज इन ऑनरशिप, ऐसे ट्रांजेक्शन है जो मैं यहां पे बताऊंगा लेकिन उन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया है, ठीक है, तो चेंज इन ऑनरशिप। दूसरा है चेंज इन असेट्स, आपके पास पहले एक दूसरी असेट्स थी, अब आपके पास उसकी जगह कोई दूसरी असेट्स आ गई है, इट विल बी ट्रांसफर, लेकिन यहां पर मैं आपको वो केसेस बताऊंगा जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया है। तो चेंज इन ऑनरशिप वाले 6 केसेस बताऊंगा, चेंज इन असेट्स वाले 6 केसेस बताऊंगा, केस सक्सेशन वाले 3 पॉइंट्स बताऊंगा, और अदर कुछ अदर पॉइंट्स है वो और बताऊंगा, राइट। सो इट दिस विल बी द सेपरेटली मैं आपको भेजूंगा, दिस विल बी सेपरेटली आई विल प्रोवाइड यू, द मेन इंपॉर्टेंट है ये दिस वाला, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है ना, इसमें थोड़े से अमेंडमेंट भी हैं तो वो इनकॉर्पोरेट करके आपको मैं बता दूंगा। तो आता है चेंज इन ऑनरशिप, सर्टेन ट्रांजेक्शन
विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है, जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब देखो यहां पर पहला चेंज इन ऑनरशिप, चेंज इन ऑनरशिप, जहां ऑनरशिप में चेंज हो रही है, टोटल या पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। ये कहता है कि एचयूएफ अगर अपनी पार्टीशन में एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने मेंबर्स को, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, क्योंकि जनरली हिंदुस्तान में होता है क्या, एचयूएफ का पार्टीशन होता है, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ऐसे तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन, ऐसे तो मल्टीपल कैपिटल गेन की लाइबिलिटी आ जाएगी एचयूएफ पे, तो गलत हो जाएगा। सो इसीलिए उन्होंने यहां पर इंक्लूड कर दिया कि भैया अगर एचयूएफ पार्टीशन करता है, एचयूएफ पार्टीशन करता है असेट्स का और डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने मेंबर्स को, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नहीं एक्सचेंज, हाँ मतलब ऐसा हो गया कि आपके पास इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर के कन्वर्ट होकर प्रेफरेंस शेयर आ गया, ठीक है ना, आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उसकी जगह दूसरा कोई म्यूचुअल फंड आ गया, वो बताऊंगा, वो वाले केसेस वहां पर देखेंगे, ठीक है। बट अभी फोकस इस पे करो, चेंज इन ऑनरशिप वाले केसेस। तो टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ठीक है, अगर आपका एचयूएफ का पार्टीशन होता है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ना कि एचयूएफ का पार्टीशन हुआ है, तो इसे ट्रांस कैपिटल गेन एडमिट टैक्सेबल नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, सेक्शन 47 में एक्सेप्शन में इंक्लूड कर लिया गया, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। दूसरा विल और इनहेरिटेंस। अब विल और इनहेरिटेंस क्या होता है, वसीयत में अगर आपको कोई एसेट्स मिली है, जो जनरली मिलती है दादा से पिताजी को, पिताजी से बेटों को, बेटों से उनके बेटों को, राइट, ये वसीयत में चलती रहती है, तो भैया इस पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन पे टैक्स लग जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए इसे इंक्लूड कर लिया गया कि विल और इनहेरिटेंस में अगर कोई एसेट्स मिलती है आपको जहां ऑनरशिप चेंज हो रही है, पहले किसकी थी, पहले मान लो दादाजी की थी, बाद में पिताजी की हो गई, तो ऑनरशिप चेंज हो गई, लेकिन इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि विल और इनहेरिटेंस में मिली है। तो अगर मान लो एचयूएफ का पार्टीशन होता है या विल और इनहेरिटेंस में अगर आपको कोई एसेट्स मिलती है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। आई होप समझ आ रहा है ये। फिर इन्होंने बोला गिफ्ट, अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है तो मना कर दिया, आर्यन खान, आर्यन है ना, अगर आर्यन हाउस प्रॉपर्टी जूही को गिफ्ट करता है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और तीन पॉइंट आपके ये मैंने आपको बता दिए, गिफ्ट, गिफ्ट हो गया, विल इनहेरिटेंस हो गया, और एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, राइट। अब फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो कोई 100% होल्डिंग कंपनी है, मतलब समझाने में जो ही, इस पर फर्स्ट टाइम परचेस किया हो तब लग गया होगा टैक्स। मतलब आप बोल रहे हो कि वो आर्यन ने वो हाउस प्रॉपर्टी जब मान लो खरीदी अपने, मान लो इसने खरीदी, किससे खरीदी, रितेश देशमुख से खरीदी, ये हाउस प्रॉपर्टी आर्यन ने रितेश देशमुख से खरीदी, हाँ रितेश देशमुख पे लग गया होगा टैक्स उस समय, रितेश देशमुख पे उस समय टैक्स लग गया होगा कैपिटल गेन हेड। फिर आर्यन ने अब क्या किया, आर्यन ने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जूही को, गिफ्ट कर दी जूही को, अगर अब आर्यन ने ये प्रॉपर्टी जूही को गिफ्ट कर दी है, तो यस इस पे कैपिटल गेन की लाइबिलिटी नहीं आएगी आर्यन के लिए, समझ आ रहा है, आर्यन के लिए, बिकॉज इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है, समझ आ रहा है। विल और इनहेरिटेंस में कैसे लगेगा यार, मतलब ये समझानी क्वेश्चन आपका मैं, हाँ सेलर को तो टैक्स लगेगा ना। विल और इनहेरिटेंस में क्या हुआ, मान लो फादर ने कोई एसेट्स खरीदी, मान लो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, तो जब सेलर था, फादर है परचेजर, तो जो सेलर है उसको कैपिटल गेन की लाइबिलिटी आ गई होगी। अब फादर से अगर मान लो विल और इनहेरिटेंस में अगर बच्चे को मिलती है, तो उनके लिए कोई कैपिटल गेन की लाइबिलिटी नहीं आएगी, मतलब फादर के लिए कोई कैपिटल गेन की लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, इनहेरिटेंस में, तो समझ आ रहा है।
क्लियर। चलो तो यहां पर मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जहां पर छह केसेस में आपको यहां पर बताने वाला हूं जो ऑनरशिप में चेंज हो रहा है बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। एक तो टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ठीक है ना, अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दूसरा विल और इनहेरिटेंस, ये भी नहीं माना जाएगा। गिफ्ट अगर आप करते हो तो ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो अगर गिफ्ट आपने किया है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब जो गिफ्ट करने वाला है उसके लिए कोई कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट इन्होंने बोला है कि 100% होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट्स ट्रांसफर करती है या वाइस वर्सा, सब्सिडरी कंपनी अगर अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट्स ट्रांसफर करती है, मतलब सर जब सेलर ने सेल करी होगी बस तब टैक्स लग जाएगा, और अगर फर्दर सेल करते हैं तो टैक्स लगेगा, लेकिन और ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर हुई है तो नहीं लगेगा, क्योंकि फिर ऐसे मल्टीपल गॉट इट, ठीक है ना। यस yes. और जो ही अभी और मैं आगे जब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कराऊंगा ना, तब आपको और मजा आएगा, तब और क्लियरिटी मिलेगी आपको इस, मतलब ये वैसे अभी आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब देखो अब क्वेश्चन बताता हूँ। अब यहाँ पर होगा क्या, आर्यन ने गिफ्ट करा, मान लो फादर ने गिफ्ट करा बेटे को, ठीक है। अब बेटा जब उसे सेल करता है ना तो बेटे पर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में बताऊंगा। बट अभी दीस जो गिफ्ट कर रहा है, मतलब जो ये जो कर रहा है ट्रांसफरर, इन केसेस में ट्रांसफरर के लिए, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए कैपिटल गेन की लाइबिलिटी नहीं आएगी। जैसे एचयूएफ ने अगर असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी है मेंबर्स को, एचयूएफ के लिए कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। फादर से अगर बेटे को विल और इनहेरिटेंस में अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है तो फादर पे कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। गिफ्ट जो करता है उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि उसे ट्रांसफर नहीं माना गया है। और चौथा, अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है या सब्सिडरी वाइस वर्सा, सब्सिडरी अपनी 100% होल्डिंग को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, इस पर भी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, कोई टैक्स लाइबिलिटी, मतलब इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और जब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो सिंपल है, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, कोई कैपिटल गेन इंपोज नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखना, यहां समझना, ये कहता है ट्रांसफर बाय 100% होल्डिंग टू सब्सिडरी और वाइस वर्सा, होल्डिंग से सब्सिडरी को हो रहा हो या सब्सिडरी से होल्डिंग को हो रहा हो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बट एक चीज ध्यान रखना, रिसीवर कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी होनी चाहिए तो ही ट्रांसफर नहीं होगा, अदरवाइज ट्रांसफर मान लिया जाएगा, अदरवाइज ट्रांसफर मान लिया जाएगा। समझ आ रहा है, रिसीवर कंपनी शुड बी द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब यहां पर समझना, मान लो होल्डिंग कंपनी है, दिस इज 100% होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने मान लो कोई एसेट्स ट्रांसफर करी, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ रिसीवर, मतलब ये सब्सिडरी कंपनी है अगर इंडियन कंपनी है तो, ठीक है, या सब्सिडरी ने अगर होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करी, इफ रिसीवर कंपनी इंडियन कंपनी है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर करती है या सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करती है, ये बोलता है जो भी रिसीवर कंपनी है जिसको असेट्स मिल रही है अगर वो इंडियन कंपनी है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ध्यान आ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी, यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है ना। तो कुछ मैं बताऊंगा जहां पर ऑनरशिप चेंज हो रही है, जहां पर असेट्स में चेंज हो रहा है, जहां पर सक्सेशन और अदर केसेस, राइट। इंडियन कंपनी होनी चाहिए ना, हाँ, रिसीविंग कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी। समझो, मान लो जियो को एक्वायर कर लिया वोडाफोन ने, वोडाफोन, और ये सिंगापुर की कंपनी है, ये सिंगापुर की कंपनी है और ये इंडियन कंपनी है, दिस इज 100% होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना,
ये जो है ना होल्डिंग कंपनी है। अब अगर ये होल्डिंग कंपनी असेट्स ट्रांसफर कर रही है किसको, जियो को, ठीक है ना, असेट्स ट्रांसफर कर रही है जियो को, ठीक है, अगर ये वोडाफोन, ये कहता है कि अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी को कोई असेट्स ट्रांसफर कर रही है एंड रिसीवर कंपनी, असेट्स किसको मिल रही है, जियो को मिल रही है, रिसीवर कंपनी है इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। या मान लो सब्सिडरी कंपनी, मान लो वोडाफोन होल्डिंग ना होके ये सब्सिडरी होती, तो सब्सिडरी कंपनी अगर मान लो अपनी होल्डिंग कंपनी को रिसीव असेट्स ट्रांसफर कर रही है, सिंपल एक ही चीज ध्यान रखो, 100% होल्डिंग या तो सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रही है या सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर कर रही है, बट भाई जिसको असेट्स मिल रही है ना दैट कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, दैट्स इट, कहीं टैक्सेबल नहीं होगा। जब सीजी में ही टैक्सेबल नहीं हो रहा है क्योंकि मना कर दिया गया है, तो फिर कहां टैक्सेबल करोगे और कहां लगाओगे कैपिटल गेन, बताओ। सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। पीजीबीपी में होगा, बिजनेस थोड़ी ना है भाई, नहीं होगा। कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो नहीं रहा है, फोर्थ आईएफओएस में कैसे कर लोगे टैक्सेबल यार, ऐसे कैसे कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। जिस हेड में सबसे पहले कोई चीज जिस हेड में टैक्सेबल हो रही है, अगर मान लो उस हेड में ही मना कर दिया गया वहां टैक्सेबल नहीं हो, तो फिर कहां दूसरी जगह कहां टैक्सेबल करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। कहीं टैक्सेबल नहीं होगा, कहीं टैक्सेबल नहीं होगा, तभी तो फायदा है, नहीं तो अगर कहीं टैक्सेबल कर देते तो फिर यहां लिखने का क्या फायदा, फिर तो यही कर दो टैक्सेबल, काहे को परेशान कर रहे हो। आज मुझे बताओ कि अगर मान लो कोई तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट है, अगर मैंने तुम्हारी सैलरी हेड में एग्जेम्प्ट कर दी, मतलब किसी और हेड में टैक्सेबल कर दूं, क्या फायदा फिर सैलरी में एग्जेम्प्ट करने का, मत करो ना, लगा दो टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है। कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा, कहीं भी, अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को असेट्स ट्रांसफर करी है या सब्सिडरी ने होल्डिंग 100% होल्डिंग को असेट्स ट्रांसफर करी है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बट एक चीज ध्यान रखना, रिसीवर कंपनी जिसको असेट्स मिल रही है दैट शुड बी इंडियन कंपनी, दैट्स इट, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट इसमें कुछ कंडीशन है, बट इसमें कुछ कंडीशन, अगर आप वो कंडीशन ब्रिच करते हो तो भैया ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा। हाँ जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा है। चलो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अगर गिफ्ट में कोई गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में अगर कोई एसेट्स दी जा रही है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को दे रही है या सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को दे रही है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ रिसीवर कंपनी इज इंडियन कंपनी, राइट। बट अब इन्होंने बोला है कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई एसेट्स ट्रांसफर करी है या सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर करी है, लेकिन अगर उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन करा कुछ, इन्होंने क्या बोला है कि मान लो होल्डिंग ने कोई एसेट्स ट्रांसफर करी सब्सिडरी को, होल्डिंग के हाथों में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा टैक्सेबल, ठीक है ना। बट एक चीज ध्यान रखना, 8 साल तक सब्सिडरी कंपनी 8 साल तक इस असेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ट्रांसफर नहीं कर सकती है और ना ही स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर सकती है। बस ये दो रेस्ट्रिक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, रेस्ट्रिक्शन है 47A का होल्डिंग सब्सिडरी के केस में, कि एक तो 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप शुड बी देयर 8 साल तक, है ना। ये देखो यहां, विद इन 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 8 साल तक जब आपने असेट्स ट्रांसफर किए, होल्डिंग ने या तो सब्सिडरी को ट्रांसफर की है या सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर की है, तो यह कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 8 साल तक 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सच एसेट्स के नॉट बी कन्वर्ट इन स्टॉक इन ट्रेड, और ये एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो यस, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 साल में अगर आपने दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो जो आपका ट्रांसफर पे टैक्सेबल नहीं हुआ था वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। चलो, इसे मैं एक बार वापस बताता हूं, लेकिन ले लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, हो गया है ऑलमोस्ट।
है ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, देन विल वापस स्टार्ट करेंगे, ये वापस कंप्लीट करा के, इसको कंप्लीट करके फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट सेकंड पड़ाव पर, दैट इज द कंप्यूटेशन, किस तरीके से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया जाएगा। इसमें फटाफट से आपको अमलगमिशन भी बता दूंगा, डीमर्जर भी बता दूंगा, ठीक है ना, ये दो चीजें बता दूंगा आपको मैं, मान के चलो इसमें अपना आधा घंटा तो जाएगा ही जाएगा समझाने में, दोनों चीजों को अच्छे से समझाऊंगा ना तो आधा घंटा तो लग जाएगा लगभग, बट मेरे हिसाब से एक अमल कमीशन ढंग से समझ लिया ना तो डीमर्जर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ढंग से। ब्रीच के टाइम पर रिसीविंग कंपनी पर टैक्स इंप्लीकेशन आएगा ना, ना इस पर देने वाली कंपनी पे, रिसीविंग कंपनी पर नहीं आएगा, ठीक है। चलो ब्रेक लेते हैं, आ जाइए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि बोला था कि सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, सर्टेन ट्रांजेक्शन सेक्शन 47 क्या बोलता है कि सर्टेन ट्रांजेक्शन जो है आपके वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना, सर्टेन ट्रांजेक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ऑल्दो उनका नेचर ट्रांसफर की जैसा है बट उन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सो पहला मैंने आपको क्या बताया था, जहां ऑनरशिप चेंज होती है, चेंज इन ऑनरशिप मतलब असेट्स पर ऑनरशिप चेंज हो गई बट फिर भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। चेंज इन असेट्स, जहां आपकी ओल्ड असेट्स के बदले आपको कोई दूसरी असेट्स मिल रही है बट फिर भी वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सक्सेशन के केस हैं तीन, सक्सेशन मतलब आपको मैंने अगर याद हो तो पीजीबी में बताया था, अगर कोई प्रोप्राइटरी का कन्वर्जन होता है कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप का कंपनी में होता है, कोई या कंपनी का फॉर्म में होता है, वो मैं बताऊंगा आपको सक्सेशन वाले केस में। दिख नहीं रहा है क्या? ओहो अभी देखो, अभी आ गया, चलो ठीक है। चेंज इन ऑनरशिप वाले केस है, चेंज इन असेट्स वाले केस है, तीन सक्सेशन वाले केसेस हैं और कुछ अदर केसेस हैं। तो अपन ने इसे चार कैटेगरी में कर दिया है डिवाइड, राइट। मैं अभी आपको हाई प्रायोरिटी पे चेंज इन ऑनरशिप को समझा रहा हूँ, बाकी सबको मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका चेंज इन ऑनरशिप वाला है। अब इसमें मैंने बोला था कि अगर चेंज इन ऑनरशिप, जहां ऑनरशिप में चेंज होता है, पहले मैंने बोला था एचयूएफ का पार्टीशन, अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका गिफ्ट, तीसरा विल और इनहेरिटेंस में अगर आपको एसेट्स ट्रांसफर करते हो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और चौथा, होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, यहाँ ध्यान रखना 100% होल्डिंग कंपनी होना चाहिए, 100% होल्डिंग कंपनी होना चाहिए। अगर 100% होल्डिंग अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रही है या सब्सिडरी अपनी 100% होल्डिंग को ट्रांसफर कर रही है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ रिसीवर कंपनी इज इंडियन कंपनी, मतलब जिसको असेट्स रिसीव हो रही है वो इंडियन कंपनी है तो, ठीक है, ये चीज यहां पर ध्यान रखना। अब यहां पर मैंने आपको एक रेस्ट्रिक्शन बताया 47A का, 47A का रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो ये बोलता है कि भाई देखो, अगर मान लो 8 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया है वहां से 8 साल के अंदर होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पहला, और दूसरा उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना है 8 साल तक, राइट। होल्डिंग सब्सिडी में चेंज नहीं होना चाहिए या उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आपने होल्डिंग सब्सिडी में चेंज किया या स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, राइट। और वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा तो ट्रांसफरर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। जूही ने बोला था सर किसके लिए, रिसीवर के हाथों में टैक्सेबल होगा? नो, जिसने ट्रांसफर किया था उसके हाथों में वो टैक्सेबल हो जाएगा। देखो यहां पर क्या बोला हुआ है, 100% होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप शुड बी देयर और सच एसेट्स कैन नॉट कन्वर्ट इन स्टॉक इन ट्रेड बाय रिसीविंग कंपनी विद इन 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, अदरवाइज द एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर व्हेन सच ट्रांसफर टुक प्लेस इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है ना। ये कहता है कि वो आपका जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है, देखो, अदरवाइज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये कहता है 8 साल के अंदर ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ट्रांसफरर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जब ओरिजिनल ईयर में ट्रांसफर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब उसका रिकैलकुलेशन किया जाएगा, फिर पेनल्टी वेनल्टी सब लगेगी मोटी वाली, ठीक है, समझ आया।
इफेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन विड्रॉन, अगर उसका एग्जेम्पशन विड्रॉन हो जाता है तो रेक्टिफिकेशन होगा, वो कहते हैं ना पुरानी लाइबिलिटी वापस कैलकुलेट होगी 154 के अंदर, है ना। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी ट्रांसफरी के लिए, जिस प्राइस पर उसने खरीदा है वो मैं आपको वहां जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वहां बताऊंगा, सिंपल है, वापस समझाता हूं एक बार आपको। होल्डिंग कंपनी ने, लेट्स अज्यूम सब्सिडरी कंपनी को, 100% होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को, लेट्स अज्यूम कोई एसेट्स ट्रांसफर करी मान लो 10 लाख रुपए के अंदर, 10 लाख रुपए के अंदर, और होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट मान लो थी 2 लाख रुपए। तो जनरली कैपिटल गेन की लाइबिलिटी आनी चाहिए 10 माइनस 2, 8 लाख रुपए कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, 8 लाख रुपए कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है। अगर 100% होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकना। हाँ एक मिनट रुकना भाई, 8110461558। अगर मैं, मेरी ट्रेन हो जाती है तो तुम्हारी छुट्टियां हो जाएगी। 8110461558। क्या यार ये ट्रेन के लफड़े हैं साले हैं। ट्रेन 09628, डिपार्चर डेट है 9th नवंबर 2023 फ्रॉम पुणे टू जयपुर, ठीक है। वेटिंग लिस्ट 124, 125, 126 भरत 3 पैसेंजर, बताता हूँ। चलो ये एक्सेप्शन क्यों लाया वो भी बता ही देता हूँ। हाँ जी, अब देखो पहले मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट्स ट्रांसफर करती है, इन्होंने क्या बोला भैया, होल्डिंग कंपनी, एक तो 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट, 100%। तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को दिया है या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया है, एंड रिसीवर कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और रिसीवर कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो हम आपको फायदा दे देंगे। अभी जूही के क्वेश्चन पे आता हूँ, सॉरी शिवानी के क्वेश्चन पे आता हूँ, राइट, तो हम आपको फायदा दे देंगे। तो अब यहां पर देखना होगा क्या, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, मान लो 10 लाख रुपए में ट्रांसफर करी, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है 10 लाख रुपए, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 2 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी के लिए टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है, इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है। लेकिन इन्होंने बोला कि देख भाई गड़बड़ नहीं करने का, 8 साल फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर आप क्या कर सकते हो, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप में 100% में चेंज नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा आप इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया विद इन 8 ईयर, तो ये ओरिजिनल ईयर में आपका 8 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं हुआ था, ओरिजिनल ईयर में इसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा, और ओरिजिनल ईयर से जो भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ कंसिडर करते हुए आपका रिकैलकुलेट किया जाएगा। आई होप समझ आया होगा, ये समझ आया तो मैं एक्सेप्शन पे आता हूं।
कि सर ये एक्सेप्शन क्यों लाया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं बताता हूं क्यों लाया गया, हर एक चीज का क्यों होता है। देखो, पहला एक्सेप्शन तो इसलिए लाया कि हम आपको फायदा दे रहे हैं, होल्डिंग सब्सिडरी, मतलब तुम दोनों एक प्रकार से एक ही हो। होल्डिंग अगर सब्सिडरी को दे रहा है, मतलब अगर मैं घर का घर की चीज इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल रहा हूं यार, तो उस पे काई का टैक्स लगना है यार। तो इन्होंने बोला देखो भाई, अगर तुम एक ही हो होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है ना, अगर तुम होल्डिंग सब्सिडरी अगर एक ही हो, ठीक है ना, मान लो कहते ना हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड कोई मोबाइल अपनी वाइफ को देता है तो कोई ट्रांसफर थोड़ी ना है यार, घर का आप पैसा घर में ही पड़ा हुआ है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी मतलब एक ही है, तो क्या टैक्स लगाना उन पे। इसीलिए हटा दिया कि भाई टैक्स नहीं लगाएंगे इफ रिसीवर कंपनी इज इंडियन कंपनी, ठीक है। तो अगर इन्होंने बोला भैया तुमने क्या कर लिया, जुगाड़ कर लिया, टैक्स बचाने के लिए तुमने क्या कर लिया, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कर लिया, बाद में अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए जुगाड़ कर लिया। मान लो आपकी कंपनी को मैं कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने कहा अरे भाई आजा अपन क्या कर ले, 100% मैं तेरे शेयर एक्वायर कर लेता हूं, अपन होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएंगे, और बाद में जब एसेट्स ट्रांसफर हो जाएगी बाद में अपन वापस अपने अपने शेयर होल्डिंग सेट कर लेंगे। भैया ये जुगाड़ थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला 8 साल तक आपका होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप शुड बी सेम, चेंज नहीं होना चाहिए, 100% से चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो लोग जुगाड़ क्या करते थे, क्यों ऐसा करा गया, क्यों ऐसा करा। अब देखो मान लो होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, अब होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई एसेट्स ट्रांसफर करी, होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई एसेट्स ट्रांसफर करी, अगर सब्सिडरी होल्डिंग ने मान लो समझना, आप देखना जुगाड़ देखना टैक्स में क्या हो रहा है। होल्डिंग ने अपनी कोई भी एसेट से 100 CR सेल प्राइस कितनी दिखाई, 100 CR, जबकि सेल प्राइस कितनी थी, समझना देखना जुगाड़ देखना अभी, रुको पहले पूरी कहानी समझाता हूं तुम्हें फिर जुगाड़ बताता हूं। अपना जुगाड़ क्या है, अरे भैया अपन देसी लोग हैं, अपन देसी लोग हैं, अपने पास जमीन है, आज अपने को जमीन बेचनी है, आज अपने को जमीन बेचनी है, मेरे को पता है ये जमीन बेचूंगा ना 150 करोड़ में बिकेगी, 150 करोड़ में बिकेगी भाई, अब सुनना मेरी इस बात को। ओ इतने में, हाँ खरीदी कितने में थी सर, अगर कॉस्ट इसकी मैं पकड़ूंगा तो 10 करोड़ है कॉस्ट, तो 140 करोड़ पे मुझे कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा, ये नहीं रे बाबा नहीं देने का, रुक आजा कुछ जुगाड़ करते हैं। अब क्या जुगाड़ किया है इन्होंने, देखो ये होल्डिंग वाला बोलता है कि यार अपनी सब्सिडरी बनाता है एक, और उसको बोलता है ये ले ये जमीन मैं तेरे को ट्रांसफर करता हूं, होल्डिंग सब्सिडरी का प्रोविजन का बेनिफिट लेते हैं, होल्डिंग से सब्सिडरी को अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर की जा रही हो तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो हो ये बोलता है कि ऐसा कर, मैं जमीन ट्रांसफर करता हूं सब्सिडरी को कितने में, 140 करोड़ में, ठीक है, और मैं यहां पे 10 होल्डिंग कंपनी 100, तो होल्डिंग कंपनी बोलेगा भैया मेरे हाथों में क्या होगा, 130 करोड़ पे कैपिटल गेन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ द प्रोविजन राइट, मेरे पे नहीं लगेगा। अब यहां पर गेम होता है, अब अगर सब्सिडरी कंपनी अगर इस असेट्स को आगे बेचती है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जब मैं आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि अगर सब्सिडरी से आगे बेचती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझना मेरे पॉइंट को, तुम जुगाड़ करने की कोशिश मत करना यहां पर। अब समझना, भी समझाता हूं तुम्हें क्यों ये स्टॉक वाला पॉइंट लाया गया। अब देखो अगर मान लो सब्सिडरी कंपनी इसे आगे बेचती है, मान लो इसने 150 करोड़ में बेचा, तो आप क्या सोचते हो 140 लेस करेगी, नो 140 लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम्हें समझाऊंगा तो मैं वहां बोलूंगा कि अगर होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर अगर आपको सेक्शन 47 में से ट्रांसफर नहीं माना गया है तो सब्सिडरी कंपनी को जो असेट्स मिली है जो वो ट्रांसफर कर रही है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। तो इसकी होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट क्या थी, 10, तो 140 पे यहां कैपिटल गेन लग जाएगा, तो भैया ये तो गड़बड़ हो गई,
हम टैक्स बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं, तो हम अगर मान लो एस इस असेट्स को आगे बेचता है एज इट इज कैपिटल असेट्स के रूप में, तब तो इस पे कोई बेनिफिट मिलना ही नहीं है। एस क्या करता है, इसे स्टॉक इन ट्रेड के रूप में लेता है या इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब वो इसे अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा तो यहां उसकी कॉस्ट कितनी दिखाएगा, 140। समझ आ रहा है, 140 उसकी कॉस्ट दिखाएगा। स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, अब तो कैपिटल एसेट्स का मामला ही नहीं है ना, अब तो पीजीबीपी का मामला आ गया। अब उसने 100 यहां जो जुगाड़ हो रहा था 140 में खरीदी, 140 में स्टॉक इन ट्रेड के रूप में खरीदी है या एज ए स्टॉक इन ट्रेड के रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो 140 में इन्होंने दिखाया, ठीक है। अब 140 में दिखा के 150 में इन्होंने बेच दिया, सिर्फ 10 करोड़ पे ही टैक्स लगेगा, सिर्फ 10 करोड़ पे ही टैक्स लगेगा। So, इस चीज के कारण इन्होंने बोल दिया कि आप इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही एज ए स्टॉक इन ट्रेड उसे आप लोगे, बस ये चीज ध्यान रखना। तो इसी कारण ये प्रोविजन इन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है कि 8 साल तक आप उसे ना तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में चेंज होना चाहिए और ना 8 साल तक आप क्या कर सकते हो, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया टैक्स का जुगाड़ के लिए। तो ये पॉइंट आपका यहां पर क्लियर हो गया है। नाउ कम ऑन, 4 पॉइंट मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिए हैं कि चेंज इन ऑनरशिप, ठीक है। अब आता है अमल कमीशन। ये बोलता है अमल कमीशन में, समझ आया क्या ये वाला पॉइंट, समझ आया नहीं आया, एक मिनट, हाँ 811046। ठीक है, समझ आ गया ना, चलो गुड। तो चलो अब आते हैं अपन अमल कमीशन पे। चलो पहले अमल कमीशन समझता हूं आपसे, अमल कमीशन होता क्या है पता है या तुम्हें, अमल कमीशन होता क्या है, अमल कमीशन क्या होता है बताओ, अमल कमीशन क्या होता है। अगर मेरा कल टिकट बन गया ना तो आज तुम्हारा सेशन और ज्यादा लूंगा, कैपिटल गेन कंप्लीट कर तो नहीं पाऊंगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आज अपन सेशन थोड़ा सा ज्यादा लेके कल कंप्लीट ही कर देंगे इसको अच्छे से, ठीक है, अगर मेरा टिकट बन गया तो। नहीं बना तो ठीक है, आराम से लेंगे। अब तुम बोले नहीं बन जाता है तो फिर तुम्हारे अच्छा है ना, छुट्टियां हो जाएगी, बट कैपिटल गेन अपन कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी सर, ऑल सेट। अमल कमीशन क्या होता है बताओ मुझे, अमल कमीशन क्या होता है बताओ, व्हाट इज अमल कमीशन, लिखो लिखो आंसर लिखो फटाफट से, अमल कमीशन क्या होता है और अगला डीमर्जर क्या होता है, दोनों चीजें मुझे बताओ। ये तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, क्या करते हो ए भाई, दो कंपनी को मिलाना। हाँ जी, अच्छा, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस कर लेती है या फिर मर्ज हो जाती है, वेरी गुड, यस सर, आपके ना अकाउंट्स में अमल कमीशन एंड मर्जर बोथ आर द डिफरेंट, बट हियर मर्जर मतलब तो क्या होता है, ए कंपनी बी में मर्ज हो गई, दैट इज मर्जर, ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर नई कंपनी बना लेती है, ठीक है ना, दैट इज शायद अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपका अमल कमीशन होता है, बट टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, टैक्स में सिंपल टर्मिनोलॉजी है, टैक्स बोलता है कि हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि भैया तुम दोनों मिलकर एक हो गए हो, ठीक है, ए कंपनी बी कंपनी, या तो ए बी में मर्ज हो जाए तो भी इसे अमल कमीशन बोलते हैं, या ए और बी मिलके नई कंपनी बना ले ए बी, इसे भी अमल कमीशन बोला जाता है, इसे भी अमल कमीशन बोला जाता है, ठीक है ना, दिस इज ओनली फॉर कंपनीज, ये कंपनीज के लिए होता है, फॉर्म वगैरह में अमल कमीशन डीमर्जर टर्मिनोलॉजी नहीं होती, दिस इज ओनली फॉर द कंपनीज। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इसको मैं अलग से एक सेशन बना के आपको कराऊंगा,
अमल कमीशन का, ठीक है ना, कि भाई मैंने अमल कमीशन मतलब क्या, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सबने सब तुमने अकाउंट से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक ऐसे ही जनरल जनरल नॉलेज के लिए बता दूंगा, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है ना, जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें वो समझा दूंगा। राइट, फॉर्म नहीं लगाते कभी भी अमल कमीशन में, ओनली कंपनीज का होता है अमल कमीशन, फॉर्म का नहीं होता है, ओनली कंपनीज का होता है। तो अब देखो ये बोलता है कि अगर मान लो ए कंपनी बी के साथ अमल कमीशन हो रही है, ठीक है ना, ए कंपनी अगर बी के साथ अमल कमिट हो रही है एंड बी कंपनी इज इंडियन कंपनी, ठीक है ना, देखो एक मिनट, हाँ, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय अमल कमिटिंग कंपनी, अमल कमिटिंग कंपनी मतलब देखो देखो अमल कमिटिंग, थोड़ी यहां पे एक अपनी इंग्लिश ग्रामर को अपन थोड़ा ताजा करते हैं, अपन ने पढ़ा है ना जा रहे हैं, जा रहे जा रहा है, क्या करते हैं आई एन जी लगाते हैं, सुना होगा ना तुमने ये चीजें, तो राम खाना खा रहा है, हमने जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना तो ऐसे पढ़ाया जाता था, राम खाना खा रहा है, रहा आ रहा ना, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, आई एन जी लगाएंगे, समझा तुमने, ऐसा होता है ना, एक मिनट रुकना, देखो अमल गमिटिंग आई एन जी लग रहा है, जो अमल गमिट हो रही है मतलब जिसका मर्जर किसी और के साथ हो रहा है, दैट इज अमल गमिटिंग कंपनी, और अमल गमिटेड कंपनी मतलब जिसके साथ अमल कमीशन हुआ है, जैसे ए का बी के साथ अमल कमीशन हुआ तो ए इज अमल गमिटिंग कंपनी और बी जिसने उसको टेक ओवर किया दैट इज अमल गमिटेड कंपनी, बस कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर, ठीक है भाई, मैं तो ऐसे ही समझता हूं, मेरी एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई है ना भाई, तो हम तो ऐसे देसी जुगाड़ से समझते हैं। आज सर आज ही कॉलेज में इंग्लिश के पेपर में लिखा, अच्छा ऐसा ओके। तो अमल कमिटिंग मतलब जिसका अमल कमीशन हो रहा है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि ए और ए का अमल कमीशन बी के अंदर हो गया, तो ए का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया, अब बी इज है राइट, तो ए इज अमल कमिटिंग, एक मिनट रुकना यार, कौन से ईयर के एग्जाम चालू हैं आयुषी के, सेकंड ईयर के होंगे है ना आयुषी, हाँ जी समझ आ रहा है, तो ए इज अमल कमिटिंग कंपनी, ए इज अमल कमिटिंग कंपनी और बी जिसमें अमल कमीशन हो रहा है वो क्या हो जाएगी अमल गमिटेड कंपनी, तो अब कंफ्यूजन तो होना ही जिना ही चाहिए, जिसका अमल कमीशन हो रहा है वो अमल गमिटिंग, जिसमें अमल कमीशन हो गया वो अमल गमिटेड राइट। तो यहां इन्होंने क्या बोला है कि देखो ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय अमल गमिटिंग कंपनी, अमल कमीशन के पूरे क्राइटेरियाज हैं कि 100% असेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है ना, 100% असेट्स एंड लाइबिलिटी शुड बी ट्रांसफर, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय अमल कमिटिंग कंपनी, अमल कमिटिंग कंपनी ने अमल कमिटेड कंपनी को असेट्स ट्रांसफर किया है, और रिसीविंग कंपनी मतलब जो असेट्स रिसीव कर रही है मतलब अमल कमिटेड कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, ठीक है ना, अच्छा थर्ड ईयर के सेमेस्टर से समझ आ रहा है, मतलब ए कंपनी का अगर बी कंपनी के साथ अमल कमीशन हो रहा है और ए कंपनी अपनी असेट्स ट्रांसफर करती है, देखो अब ए कंपनी का अमल कमीशन हुआ, समझो ए कंपनी का अमल कमीशन हुआ बी के साथ, मर्ज हो रही है, ए कंपनी की बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट में इसके हाउस प्रॉपर्टी लैंड और भी एनी अदर असेट्स है, अब ये सारी असेट्स कहां जा रही है बी को जा रही है, ऑनरशिप में चेंज हो रहा ना, ए ए की ऑनरशिप बी में जा रही है, सॉरी तो ट्रांसफर माना जाएगा कैपिटल गेन में, असेट्स है, असेट्स है। दूसरा दूसरा अमल कमीशन में कंसिडरेशन तो होता ही है, खैर कंसिडरेशन हो ना हो हमें तो मतलब ही नहीं है, असेट्स है, ट्रांसफर है, सर टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड में, बट इन्होंने यहां मना कर दिया है कि अगर अमल कमीशन हो रहा है, अगर अमल कमीशन हो रहा है, अमल कमिटिंग कंपनी अगर अमल कमिटेड कंपनी को असेट्स ट्रांसफर कर रही है एंड अमल कमिटेड कंपनी मतलब बी रिसीविंग कंपनी, अमल कमिटेड कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, समझ आया क्या भाई, तो रिसीविंग कंपनी मतलब जिसको असेट्स रिसीव हो रही है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ऊपर भी मैंने यही बताया था होल्डिंग सब्सिडियरी में भी यही बताया था रिसीविंग कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, सेम अमल कमीशन में भी यही बता रहा हूं, डीमर्जर में भी यही बताऊंगा, ठीक है समझ आया क्या, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, पहला पॉइंट क्लियर।
आई होप समझ में आया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ आया क्या? बोलो। हेलो हेलो हेलो। चलो अब अगर तुम्हें पता है अमल कमीशन में होता क्या है, अमल कमीशन में इन्होंने बोला है कि जब सामने ए कंपनी अगर अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बेच रही है किसको, बी को, ए कंपनी अगर अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है किसको, बी को, ए कंपनी अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बी को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, सारा का सारा बैलेंस शीट असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी बी को, फोगट में कर देगी क्या, बताओ फोगट में कर देगी, फोगट में कर देगी क्या, बताओ फोगट में कर देगी अपनी सारी की सारी बैलेंस शीट, बताओ। अमल कमीशन तुम्हारे चैप्टर है ना यार, इंटर इंटर क्या रहे यार, तुम्हारे सिलेबस में अमल कमीशन चैप्टर है ना यार सिलेबस में, और पूरा डिटेल्ड है एकदम मस्त। ओके तो मुझे बताओ ए कंपनी जब बी को अमल कमीशन अपनी असेट्स ट्रांसफर कर रही है, हाँ मिलेगा ना कंसीडरेशन, बिल्कुल मिलेगा, फोकट में काई को ट्रांसफर करने का भाई, काई को ट्रांसफर करने का, तुम अपन देखते हैं ना अमल कमीशन होता है, मान लो जैसे अमल कमीशन का रिसेंट एग्जांपल कोई अगर किसी को आइडिया हो तो बताओ मुझे, किसी कोई कंपनी का अमल कमीशन हुआ हो तो, जैसे अगर आपको पता हो ऑर्सेलर मित्तल, ऑर्सेलर मित्तल, ऑर्सेलर ग्रुप को इन्होंने खरीद लिया था, तो ये अमल कमिट हो गई मित्तल के साथ में, है ना, तो एक कंपनी का नाम हो गया ऑर्सेलर मित्तल, और कोई एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा है यार, क्या हो गया, चलो जो भी है। ओके तो अगर मान लो कंपनी अमल कमिट हो रही है तो इसको क्या होता है, सामने वाला कंसीडरेशन देगा, तो ए कंपनी अगर बी में अमल कमिट हो रही है तो अपनी सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है, तो इसके बदले कुछ कंसीडरेशन तो मिलेगा। इन्होंने बोला है कि कंसीडरेशन शुड बी इन शेयर्स, अगर ए कंपनी बी को असेट्स ट्रांसफर कर रही है तो ए कंपनी के शेयर होल्डर है, मान लो आप सभी शेयर होल्डर हो ए कंपनी के, आप सभी क्या हो, शेयर होल्डर हो, आप सभी शेयर होल्डर हो, आपके पास मान लो अपने राहुल है, यहाँ पे राहुल है, जूही है, शिवानी है, सभी सभी के पास शेयर होल्डर हो आप, राहुल शिवानी जूही, राहुल के पास 1000 शेयर हैं, शिवानी के पास 10000 शेयर हैं, जूही के पास 5000 शेयर हैं, ठीक है, ये आप शेयर होल्डर हो, आप बोलोगे भैया मेरी कंपनी बेच रहे हो, तुम मालिक हो, तुम सब मालिक हो, तुम बोल रहे हो मेरी कंपनी बेच रहे हो, ए कंसीडरेशन क्या दे रहे हो रे। बी क्या बोलता है, हर एक शेयर होल्डर को बी कंपनी के 2 शेयर दिए जाएंगे, तो अब राहुल के पास जो 1000 शेयर है उसके बदले उसको बी के 2000 शेयर मिल जाएंगे, शिवानी के पास 20000 शेयर हो जाएंगे और जूही के पास 10000 शेयर हो जाएंगे, ठीक है ना, बी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं इन कंसीडरेशन। यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर राहुल के पास ए कंपनी के शेयर्स के बदले बी कंपनी के शेयर आ रहे हैं, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर, ठीक है ना। हाँ तो इन्होंने बोला है, देखो अगला पॉइंट यहां पर देखो, इसका आगे मैं पॉइंट बताऊंगा, चलो वो चेंज इन असेट्स में बताऊंगा, एनडीटीवी बाय अदानी ग्रुप, यस एनडीटीवी बाय अदानी ग्रुप, एनडीटीवी का मर्जर हुआ है, बिल्कुल अदानी ग्रुप ने उसे एक्वायर कर लिया, तो एनडीटीवी के जो शेयर होल्डर्स थे ना उसको अदानी ग्रुप ने अपने शेयर्स दिए होंगे, राइट। तो सबसे पहला तो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय अमल कमिटिंग कंपनी, अभी वो वाला मैं बताऊंगा, ये जो शेयर देते हैं ना शेयर होल्डर को शेयर देते हैं, वो बताऊंगा चेंज इन असेट्स के अंदर, चेंज इन असेट्स, ठीक है ना, चेंज इन असेट्स में बताऊंगा, यहां नहीं बता रहा हूं उसे, वहां बताऊंगा मैं। तो अब देखो अमल कमीशन में क्या हो गया, अगर मान लो अमल कमिटिंग कंपनी अपनी असेट्स ट्रांसफर कर रही है और उसको अमल कमिटेड कंपनी, अमल सॉरी 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 क्या बोल रहा हूं, अगर अपनी अमल कमिटिंग कंपनी अपनी असेट्स ट्रांसफर कर रही है किसको, टू अमल कमिटेड कंपनी को, और अमल कमिटेड कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, मतलब रिसीवर कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर कर लो, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, नॉट रिलीवेंट, राइट, ज्यादा रिलीवेंट नहीं है, राइट, यस नॉलेज होना जरूरी है, नॉट मोर रिलीवेंट, ठीक है। सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि दीज आर द पार्ट,
बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यस हमें आइडिया होना चाहिए, और किसी को भारी चीज़ है नहीं वैसे, ठीक है ना, बस समझना एक बार समझने की जरूरत है बस, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रिलेवेंट। अगर ये बोलता है कि अमल गमिटिंग कंपनी अगर अपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है अमल गमिटेड कंपनी को, तो सिंपल है, आज मैं मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा मान लो वो गोल्ड पड़ा है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंने सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए, तो एज पर कैपिटल एसेट्स हैं, हाँ है, ट्रांसफर है, हाँ है, बट इसे कैपिटल गेन एडमिट एक्सेबल करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि अगर अमल गमिटिंग कंपनी अपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है अमल गमिटिंग कंपनी अपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है अमल गमिटेड कंपनी को, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। समझ आया? चलो अब जो अगला पॉइंट बताने वाला हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, बट बहुत आसान है। अब समझना, मान लो व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया था अभी। व्हाट्सएप ये कहां की है? ये फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन कंपनी। इसको एक्वायर किसने किया? फेसबुक ने। इंस्टा को भी एक्वायर किया, दिस इज ऑल्सो फॉरेन कंपनी। समझना, व्हाट्सएप को एक्वायर किया फेसबुक ने, तो ये क्या हो गई? अमल गमिटिंग फॉरेन कंपनी। और ये क्या हो गई? अमल गमिटेड फॉरेन कंपनी। अब समझना गेम। ये कह रहा है सर अगर फॉरेन अमल गमिटिंग कंपनी ने अपनी असेट्स फॉरेन अमल गमिटेड कंपनी को ट्रांसफर किए, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अरे हमको क्या लेना देना यार, फॉरेन में कितने अमल कमीशन होते हैं, हमको क्या लेना देना, बताओ हमको क्या लेना देना। तो ये हमारे प्रोविजन में क्यों आया? इन्होंने बोला कि जिस फॉरेन कंपनी का अमल कमीशन हो रहा है दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ में, उस कंपनी ने अगर इंडियन कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझना ढंग से, बस ढंग से मतलब एक ओवरव्यू, बस समझ में आना चाहिए, क्लियरिटी मिलनी चाहिए। अब देखना, फॉरेन कंपनी जिसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो फॉरेन कंपनी जो इंडिया कंपनी, ये देखो एक बार यहां लाइन पढ़ो ताकि तुम्हें और क्लियरिटी हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय फॉरेन अमल गमिटिंग कंपनी टू फॉरेन अमल गमिटेड कंपनी हु हैज शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ये कहता है फॉरेन मतलब व्हाट्सएप जिसका अमल कमीशन हो रहा है फेसबुक के साथ में, अगर उस व्हाट्सएप की सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाएगी किसको? फेसबुक को। और व्हाट्सएप ने अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो इंडियन शेयर उसकी एसेट्स है ना, वो भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इंडिया में भी टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। लेकिन उन्होंने बोला इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ। समझ आ रहा है क्या तुमको? ये वाला पॉइंट थोड़ा ढंग से समझो, बस एक बार समझने की जरूरत है, बाकी कहीं ज्यादा लोड वाली मामला नहीं है। कहाँ गया यार, एक तो मैं एग्जांपल ना कहाँ लिखता हूँ। अब इंडिया के शेयर, इंडिया की जो शेयर्स है उनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये कहता है व्हाट्सएप जिसने इंडिया असेट्स एक्वायर कर रखी है, अब व्हाट्सएप का अगर फेसबुक के साथ अमल कमीशन होता है तो व्हाट्सएप क्या करेगा? अपनी सारी की सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज किसकी हो जाएगी? किसको ट्रांसफर हो जाएगी? किसको? फेसबुक को। तो इंडिया कंपनी का शेयर जो है वो भी फेसबुक को ट्रांसफर हो जाएगा। यस, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर फॉरेन अमल गमिटिंग कंपनी अपनी एसेट्स ट्रांसफर करता है फॉरेन अमल गमिटेड कंपनी को, तो इसे ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा इफ 25% शेयर होल्डर ऑफ अमल गमिटिंग कंपनी मतलब 25% शेयर होल्डर ऑफ व्हाट्सएप शुड रिमेन शेयर होल्डर इन फेसबुक, रिमेन शेयर होल्डर इन फेसबुक, ठीक है ना? मतलब एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर ऑफ अमल कमिटिंग कंपनी शुड बी शेयर होल्डर इन अमल कमिटेड कंपनी। और जहां पर अमल कमिटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट है, मतलब व्हाट्सएप जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट है, अगर वो कंट्री उस पे उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं ले रही है तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं इम्पोज करेगी। ये समझ आया क्या? हाँ, ये समझ आया क्या? शिवानी बोल रही है सर ये बोरिंग लग रहा है, तो बस इसको बस सुन लो एक बार, समझ लो, ये ऐसा ही है यार, अभी ये थोड़ा सा ऐसा ही, ये वाला पार्ट ऐसा ही है अमल कमीशन वाला, बट ठीक है एक बार सुनने में क्या बिगड़ता है। बोरिंग लग रहा है, बोरिंग, अब इसको एंटरटेनिंग बनाएंगे थोड़ा सा, एंटरटेनिंग। पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो यार, कंसेप्ट समझ लो, सिंपल सी बात है यहाँ पे, बस ये एक ये थोड़ा सा पार्ट है, ये थोड़ा सा आपके लिए, बट समझ लो, बोरिंग पे मत जाओ।
इसको कैसे समझा मैं आपको कि थोड़ा आपके लिए एंटरटेनिंग हो जाए। अभी तो यही तरीका है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप अब सिंपल है। अगर कोई भी पहला तो क्या था, अगर कोई भी इंडियन अगर कोई भी अमलगमेटिंग कंपनी अगर अमलगमेटेड इंडियन अमलगमेटेड कंपनी के साथ अमलगमेशन हो रहा है, मतलब अगर किसी भी कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है, अमलगमेटिंग कंपनी अगर अपनी असेट्स ट्रांसफर कर रही है टू अमलगमेटेड कंपनी, वापस सुनना पहला पॉइंट, अमलगमेशन का पहला पॉइंट, अगर कोई भी अमलगमेटिंग कंपनी असेट्स ट्रांसफर कर रही है टू अमलगमेटेड कंपनी, तो अगर अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तुम्हारे लिए मैंने बोल भी दिया ना, वैसे ये ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, बस एक बस समझने की जरूरत है, दैट्स इट। ये एक छोटा सा पार्ट है बस जो तुम्हें थोड़ा सा लगेगा, बाकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर मान लो अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी अपनी असेट्स ट्रांसफर करती है अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी को, हमको क्या मतलब सर, हमको तो मतलब तब है जब उस अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी ने जैसे व्हाट्सएप ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो ये कहता है कि अगर फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जिसने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं अगर वो अपनी असेट्स ट्रांसफर करती है तो सर इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इफ 25% शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शुड रिमेन शेयर होल्डर इन अमलगमेटेड कंपनी। चलो जी समझाता हूं तुम्हें इसको थोड़ा सा। मान लो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का फेसबुक के साथ क्या हो रहा है, अमलगमेशन, ये अमलगमेशन हो गया, अमलगमेशन, ठीक है। व्हाट्सएप कंपनी की बैलेंस शीट अपन ने देखी, उसमें इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं एक्स वाई जेड कोई भी अमाउंट के हो सकते हैं। तो जब व्हाट्सएप का अमलगमेशन होगा ना तो व्हाट्सएप की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अब फेसबुक की हो जाएगी। अमलगमेशन में होता है कि आपको सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देनी होती है फॉर ए कंसीडरेशन, तो अब ये इंडियन कंपनी के शेयर्स भी अब किसके हो जाएंगे, फेसबुक के हो जाएंगे, करेक्ट। तो इंडियन कंपनी के शेयर्स की ऑनरशिप भी चेंज हो रही है, तो वैसे तो कैपिटल गेन लगना चाहिए, असेट्स है, ट्रांसफर है, कैपिटल गेन इंपोज होगा, राइट। बट इन्होंने बोला इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इफ 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 व्हाट्सएप कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, व्हाट्सएप कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है ना, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8 आई जे, मान लो 10 शेयर होल्डर हैं, मान लो 10 शेयर होल्डर हैं, समझना 10 शेयर होल्डर हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि व्हाट्सएप कंपनी अगर अपनी असेट्स ट्रांसफर करती है फेसबुक को और व्हाट्सएप कंपनी ने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं तो इंडियन कंपनी के शेयर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, सो इंडियन गवर्नमेंट इस पे टैक्स इंपोज नहीं करेगी अगर एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर ऑफ व्हाट्सएप शुड रिमेन शेयर होल्डर इन फेसबुक। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इन 10 में से एटलीस्ट 25% होता है 2.5, मतलब ढाई से ज्यादा शेयर होल्डर, ढाई से तो क्या बोलूं, तीन से ज्यादा शेयर होल्डर, तीन या तीन से ज्यादा शेयर होल्डर शुड रिमेन शेयर होल्डर इन फेसबुक। मतलब ऐसा है कि फेसबुक इन शेयर होल्डर को शेयर्स देगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर ऑफ व्हाट्सएप शुड रिमेन शेयर होल्डर इन फेसबुक, और अगर व्हाट्सएप जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट है वो कंट्री अगर उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स इंपोज नहीं कर रही है तो फेसबुक भी उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स इंपोज नहीं करेगी। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया क्या। चलो जी अगला भी सेम है कि लेट्स अज्यूम, अब इन्होंने क्या बोला है, ये कहता है व्हाट्सएप मान लो इसकी बैलेंस शीट में आप आते हो, इसने ना ट्विटर के शेयर्स रख रखे हैं अपने पास, ट्विटर के शेयर्स, ठीक है ना, या इसने वॉलमार्ट के ट्विटर के शेयर्स हैं, ये भी एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी, इसका फेसबुक के साथ अमलगमेशन हो रहा है, ठीक है, फेसबुक के साथ अमलगमेशन हो रहा है। फॉरेन कंपनी जिसने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर, जिसने फॉरेन कंपनी के शेयर्स रख रखे हैं और इस फॉरेन कंपनी की जो वैल्यू डिराइव हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन एसेट्स, तुम्हारे लिए थोड़ा सा भारी जाएगा, सर ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी के केस में इन हैंड ऑफ कंपनी टैक्सेबल होता है। हाँ हाँ यस,
अगर मान लो व्हाट्सएप जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट है, व्हाट्सएप जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट है, अगर वो कंट्री टैक्स चार्ज कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करेगी। देखो यहां लिखा हुआ है, देखो यहां लिखा हुआ है, देखो ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी, फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जिम्मे दिख रहा है, हाँ, हु हेल्ड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एज कैपिटल असेट्स, और अगर वो फॉरेन अमलगमेटेड कंपनी को अगर असेट्स ट्रांसफर करती है तो इंडियन कंपनी के शेयर भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इन्होंने बोला है कि इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इफ इफ 25% शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शुड रिमेन शेयर होल्डर इन अमलगमेटेड कंपनी और कैपिटल गेन टैक्स नॉट अट्रैक्ट इन दैट कंट्री वेयर अमलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब जैसे व्हाट्सएप अपना फेसबुक को ट्रांसफर कर रहा है तो व्हाट्सएप जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट है अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज नहीं किया व्हाट्सएप के इस ट्रांजेक्शन पर तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स इम्पोज नहीं करेगी। ठीक है, चलो जी, तो आपके लिए ये वाला मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक सेपरेट रिकॉर्ड करके भेजूंगा आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ नाउ आपको एक सेपरेट थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड करके भेजता हूँ इसको अलग से, है ना, ताकि आपके लिए हेल्पफुल होएगा। अब एक बार तो समझा देता हूँ लेकिन, ठीक है ना, डीमर्जर एकदम सेम है ऊपर अमल कमीशन की जैसे, बस डीमर्जर को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब ये देखो तीसरा वाला क्या बोलता है, फॉरेन अमल कमीटिंग कंपनी अपनी असेट्स ट्रांसफर कर रहा है दूसरी फॉरेन कंपनी को, फॉरेन अमल कमिटिंग कंपनी अपनी असेट्स ट्रांसफर कर रहा है फॉरेन अमल कमिटेड कंपनी को। अब यहां देखना ऊपर तो क्या था, जिसने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हों, तुम्हारे लिए भारी जा रहा होगा ना, बाउंसर जा रहा होगा थोड़ा सा, मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा तुम्हारे लिए यार, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो। फॉरेन अमल कमिटिंग जिसने फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, जैसे व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप का अमल कमीशन हो रहा है फेसबुक के साथ में, अब व्हाट्सएप की बैलेंस शीट देखी तो व्हाट्सएप ने ट्विटर के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, तो व्हाट्सएप ने फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, अब समझना, और उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू डिराइव हो रही है इंडियन कंपनी की। भाई साहब ट्विटर की जो औकात है ना वो किसी इंडियन कंपनी के कारण है, और ट्विटर की बैलेंस शीट में जाओगे तो उसने रिलायंस के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, रिलायंस के शेयर ना होना तो ट्विटर की कोई औकात नहीं है। तो वापस देखना, किसी फॉरेन अमल कमिटिंग कंपनी जिसने फॉरेन कंपनी के शेयर एक्वायर कर रखे हैं, उस फॉरेन कंपनी के शेयर एक्वायर कर रखे हैं जिसकी वैल्यू डिराइव हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनी, सो इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये तुम्हें अलग से और बना के भेजना पड़ेगा मुझे, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या एक वोडाफोन का केस हुआ था, वोडाफोन का केस, वो प्योरली इसी पे ओरिएंटेड है, ठीक है ना, वो भी समझाऊंगा तुम्हें और उस केस के साथ इसको कनेक्ट कराऊंगा तो आसानी से तुम्हें समझ आएगा, ये केस के साथ ही कनेक्ट कराऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं तुम्हारा, ठीक है ना, ताकि तुम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाओगे इसमें। लेकिन यस, एक बार अगेन, इट्स नॉट, ऐसा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट रिलेवेंट। ठीक है, व्हाट्सएप जिसने इंडियन कंपनी, जिसने फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं और उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू डिराइव हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनी, तो उस केस में होगा क्या, अगर वो अपनी एसेट्स ट्रांसफर करता है फेसबुक को तो इट विल नॉट बी, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सबसे पहले सेम 25% शेयर होल्डर, सेम ऑफ अमल कमिटी कंपनी शुड रिमेन शेयर होल्डर इन अमल कमिटेड कंपनी, और जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट है वहां की गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स इंपोज नहीं कर रही है तो हम भी यहां पर टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलो छोड़ दो इसको, यहीं पर छोड़ दो, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके,